3, 2, 1 भी तभी ये रिस्की है, तो वे लोग हर कोई करता नहीं है इसको, कि ऐसे नहीं सिर्फ ट्यूब बदल, वही वाली बात है ना कि तुम मर्सिडीज बेच के टोयोटा ले रहे हो। मेरे आया दिमाग में आइडिया, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 50 रुपए के अंदर। हे गाइस, दिस पैट्रिक वैभव। वेल, आज की जो वीडियो की काफ़ी डिफरेंट होने वाली है, बिकॉज हम इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। पहले मैं साइकिल बाहर निकाल देता हूँ एंड फिर आपको बताता हूँ। बेसिकली इफ यू कैन सी ओवर हियर, इसमें जो यहाँ पर वॉल्व दिख रहा है, बिल्कुल पास से दिखाइए, दिस इज एक्चुअली अ प्रेस्टा वॉल्व। लेकिन अगर आप किसी और बाइसाइकिल में देखेंगे, स्पेशली अगर आप डुकाटी में देखेंगे मेरी, तो यहाँ पर आपको शटर वॉल्व मिलता है। शटर एंड प्रेस्टा में क्या फर्क होता है? जो आपका शटर होता है वो आपका रेगुलर जैसे मोटर बाइक में लगने वाला या कार में या ऑटो में लगने वाला वॉल्व होता है, लेकिन ये जो प्रेस्टा वॉल्व होता है ये आपकी ज्यादातर जो यूरोपियन बाइसाइकिल्स होती है या फिर इंपोर्टेड बाइसाइकिल्स होती है उसमें ये वाला वॉल्व आता है। सो आज हम कन्वर्ट करेंगे हमारा प्रेस्टा वॉल्व टू नॉर्मल शटर वॉल्व। बिफोर वी डू द कन्वर्जन, लेट्स टेक एवरीथिंग आउट, बिकॉज हमारे स्पेस की बहुत ज्यादा कमी हुई पड़ी है, साइकिल कुछ ज्यादा ही हो गया मेरे पास। बर्नआउट दिख रहा है, स्कूटी पे लग जाता है, घर के अंदर कौन हरकतें कर सकता है। अजीब सी इसमें लॉकिंग की आवाज आती है ना। ये बेटर नहीं लग रहा मेरे को, लगता है गायब करनी चाहिए मेरे को साइकिल्स। अब रूम कितना मजेदार सा लग रहा है देखने में, सेल कर दूं क्या थोड़ी सी? मैक्सिमम पे 10 की जगह ही है यार। यू गाइस माइट बी थिंकिंग कि मैं इसको अपग्रेड क्यों कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो प्रेस्टा जो वॉल्व होता है वो ज्यादा एडवांस होता है जो इस बाइसाइकिल में आया है। सिर्फ इंपोर्टेड बाइसाइकिल में आता है, अच्छी बाइसाइकिल में आपको प्रेस्टा ज्यादातर मिल जाता है। शेडर मैं इसलिए कर रहा हूँ, दैट इज बिकॉज मेरी सारी जो बाइसाइकिल है उसमें शेडर है, तो मेरे को यूनिफॉर्म चाहिए। मेरे को 10-15 साइकिल, कितनी होगी, 15 के आसपास होंगी, इतनी साइकिल से सब में शेडर है। ये अकेली प्रेस्टा वाली है, तो मेरे को थोड़ा सा वो सामान लेने में इश्यूज आते हैं। एंड इसमें अगर मैं डायरेक्टली क्या बोलते हैं वो डालने की कोशिश करूंगा लिक्विड, तो वो अटकने की कोशिश करेगा। मैं इसको ट्यूबलेस कन्वर्ट करूंगा तो उसमें भी मेरे को वॉल्व तो वैसे भी चेंज करना ही पड़ना है, तो मैं ऐसे कर दूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। इवन जब ट्यूबलेस कन्वर्ट करते हैं ना, उसमें सीलेंट ऐड करते हैं, तो ऑलमोस्ट जो वेट होता है वो सिमिलर ही बन जाता है। तो इससे मैंने सोचा कि मैं ट्यूब चेंज करूं एंड साथ में इसमें सीलेंट डाल दूं। दिस इज एग्जैक्टली लाइक जो आपका प्रेस्टा होता है वो थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है, जैसे आपकी मर्सिडीज हो सकती है, एंड उसको मैं टोयोटा में कन्वर्ट करूं। व्हाई इज दैट? बिकॉज़ मेरी रिलायबिलिटी हाई हो जाएगी, मेरा थोड़ा सा ज्यादा यूनिवर्सल हो जाएगी चीजें। टोयोटा के आप शायद, ओ भाई ऐसा कुछ नहीं, किस डायरेक्शन में क्या पहुंच गया। अब वेट लेंगे इसका कि हमारा ट्यूब कन्वर्जन के बाद कितना वेट आया। सिर्फ फ्रंट फ्रंट का करूंगा मैं, बैक का तो मैं अपना भी वापस कर दूंगा 3.43 के आसपास। लेकिन इन्हें वेट ठीक नहीं लिया मैंने, मेरे को लगता है सेंटर से लेना पड़ेगा। 1 किलो गिरेगा पूरा, मैं बता रहा हूँ ना, कुछ दिक्कत 2.19 है। वो वेट लेने का ठीक तरीका नहीं था, फिर से लेते हैं भाई 2.19। हाँ ये एक्यूरेट है। यहाँ पे ज्यादा कैसे आया, मुझे समझ नहीं आ रहा। या तो ग्रेविटी का ज्यादा हो गया होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा इवन आउट था। ऐसा होता नहीं है, फिर से मैं लुक लेके देखूं क्या सच में 3 किलो यहाँ से आ रहा हो। ये क्या हो रहा है यार, अब वहीं से मान लो 2.19 ही मान लो ना। देख मैं तो 2.19 मांग रहा हूँ, लेकिन ये वेट डिफरेंस कैसे आ रहा है मैं इसकी आंख। ऑल्सो लेट मी जस्ट मेक अ इंस्टा स्टोरी अबाउट दिस कि शायद साइकिल सेल करूँ। सो गाइस, अब मैं वीडियो बना रहा था, हो सकता है मैं सेल ऑफ कर दूँ, थोड़ी सी मैं पोस्ट डालूंगा इनकी। सो लेट मी जस्ट शो यू कि प्रेस्टा में हम कैसे करते हैं। पहले तो उसका मैं कैप निकाल दूँ यहाँ से। ऐसे हवा निकालने का अलग ही तरीका होता है, पहले जैसे अगर आप इसको दबाएंगे काम नहीं करता, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा खोल देंगे एंड फिर इसको दबाएंगे फिर जाके इसकी हवा निकलती है, अलग है इसका थोड़ा सा। इवन इसके जो आप वॉल्व होते हैं ना, जैसे शटर के वॉल्व होते हैं, वो हर जगह आपको मिल जाएंगे, बड़े इजीली मिल जाएंगे, लेकिन आपका प्रेस्टा का वॉल्व इजीली नहीं मिलेगा। तो रिपेयर करना ज्यादा इजी हो गया, एंड में जो लिक्विड इसमें अटकता नहीं है इतनी इजीली, मतलब इसमें अटक जाता है, शटर में नहीं अटकता। सबसे पहले मैं इसकी निकाल लेता हूँ कि ट्यूब कैसे निकालनी है। अरे इसकी तो बीड बनी हुई है प्रॉपर। कई लोग ये भी बोलेंगे ठीक है ट्यूबलेस ही कर लेते हैं। यार ट्यूबलेस में मेरे को लगता है आर्ट एंड डिस्ट वाले में थोड़ी सी इश्यूज आएंगे मेरे को। आई एस सी रिम भी ट्यूबलेस रेडी नहीं है, गंदा चिपका हुआ है। सो अगर आपको ट्यूब्स बाहर निकालनी है अपनी साइकिल की, लीवर्स टाइप के आते हैं, अगर आपके पास वो लीवर्स नहीं है, वैसे ये लीवर्स तो नहीं होते, दूसरे होते हैं, तो आप अपना स्क्रूड्राइवर भी यूज कर सकते हैं, वही मैं यहाँ पर यूज करके आप लोगों को दिखाऊंगा। आपने लेना है ये वाला स्क्रूड्राइवर, इसको ऐसे करके निकाल देना है यहाँ से। डेंट पड़ गया रिम में, ओ यार 2 डेंट पड़ गई यहाँ के, इसलिए मैं भी आपको यूज नहीं करना चाहिए। तीसरा डेंट पे डेंट पड़े जा रहे हैं, दूसरा यूज करता हूँ यार। मेरे को लगता है ट्यूबलेस हो जाएगा जैसे आपसे चिपका होता है ना रिम से, लेकिन किसी ने मुझे बताया नहीं होता। ठीक तो नहीं हो गया ट्यूब में भाई, अलग ही फ्लाई मारते जा रहा है। सिल्वर सिल्वर जहाँ से पेंट निकला अलग से ही दिख रहा है। देख मेरे को पता था डिफिकल्ट होगा, इतना डिफिकल्ट होगा ये सोचा नहीं था। ये सही चीज है, इधर से लग रहा है इसी के लिए बनाओ, कोई भरोसा नहीं ऐसे डिजाइन आते भी हो।
ऐसे ही दिमाग खराब कर रहे थे। बेसिकली जो नॉर्मल होती है ना वो तो मैं हाथ से ही कर देता हूँ, या तो मैं डर रहा हूँ इस टायर के साथ। तो ये हमने टायर पूरा निकाल दिया, इवन तो ट्यूब निकालने के लिए टायर निकालने की जरूरत नहीं होती। नाउ आई डू हैव केंडर ट्यूब ओवर हियर एंड इसका वेट देख रहे थे कितना है, बहुत लाइट टायर है तो डाउनग्रेड कर रहा हूँ, कसम से डाउनग्रेड कर रहा हूँ। फिर से इसका वेट देखते हैं, ये क्लोज टू 19 ग्राम्स हमारी मैक्सिस की ट्यूब। नाउ लेट्स टेक वेट ऑफ आवर केंडर ट्यूब 27। इसमें सीलेंट टल जाए तो मजा आ जाए, खुलेगा नहीं यार इसका वॉल्व। कई प्रेशर वॉल्व ऐसे आते हैं जिसमें आपका वॉल्व चेंज हो जाता है, लेकिन इस वाली ट्यूब में आई गेस वॉल्व चेंज हो नहीं सकता। नहीं, मैंने भी कोशिश करी है प्लास्टर करने की तो मैं भी खुल रहा नहीं है। फिर बहस किया कि बनाते क्यों ऐसी ट्यूब जो सिंगल टाइम यूज हो, अब भर के देख लो। यही तो दिक्कत है, ऐसे भरोगे कैसे, सीलेंट भरोगे वो सारा खत्म हो जाएगा। लाइट वेट बना दी, ठीक है, परफॉर्मेंस बना दी। सो नाउ लेट्स टेक आवर केंडा। पहले बताता हूं आपको, वो बताने भूल गया कि आपको टूल्स कौन से यूज करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टूल्स हैं आपकी टायर रिमूवल टूल्स वो यूज होंगे, ये आपकी ट्यूब है वो नई ट्यूब होगी। मैं बस इसको पैकिंग आपको दिखा देता हूँ। ये केंडा की ट्यूब है, एक और मेरे पास पड़ी हुई मैक्सिस की, मेरे को उस टाइम ट्यूब नहीं मिली थी, मेरे को केंडा की लेनी पड़ी थी। सेकंड आपको हो सकता है प्लास की जरूरत पड़ जाए, आपको एक एयर पंप की जरूरत भी पड़ेगी, इससे आप इन्फ्लेट करेंगे आपकी ट्यूब्स। एंड अगर आपको खोलना है तो उसके लिए आपको टूल्स की जरूरत पड़ेगी, 15 mm का स्पैनर की जरूरत पड़ेगी। देन आपको एक एंटी पंचर लिक्विड होगा, अगर आपको वो डालना है आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। और जो मेन चीज है वो हम अभी मैं आपको बताऊंगा, हमें ड्रिल की जरूरत पड़ेगी। आप रेंट पे ला सकते हैं उसको, या फिर आप बाहर से भी करा सकते हैं, इजिली हो जाएगा। तो आप जैसे ही जो आपकी प्रेस्टा वाल्व है ये इसमें डालने की कोशिश करो, नहीं जाता। आपको जो प्रेशर वाल्व होता है काफी ज्यादा थिन होता है, एंड आपको जो शटर वाल्व होता है काफी ज्यादा थिक होता है। क्लियरली देख पाएंगे तो देखो जो स्पोक्स वाले होल है कितने बड़े हैं, एंड जो आपका ट्यूब वाला होल है वो कितना छोटा है। दिस कम्स नाउ, दिस इज दी रिस्की पार्ट जो हम यहाँ पर करेंगे। हम अपनी ड्रिल निकालेंगे एंड इस हिसाब से हम ड्रिलिंग करेंगे कि हमारा ये बड़ा होना चाहिए। अब देख रहे होंगे कितने सारे ड्रिल्स हैं, लेकिन आपके पास हो सकता है ना हो। सो बेसिकली आपको कौन सी साइज लेना है वो मैं आपको बता दूंगा, पहले मुझे खुद ही एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि कौन सा साइज है। सो बेसिकली आपका जो ड्रिल होती है ना, इसका जो बेस होता है आपको इससे देखना है आपका वॉल्व कितना थिक है। यहाँ पर ये वाली ट्यूब है, इसका थिकनेस एंड इसकी थिकनेस दोनों सेम होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे नहीं है ऐसा, क्योंकि ये ड्रिल बहुत ज्यादा पतली है। अब एक और मैं क्या करूंगा, मैं इससे मोटी ड्रिल ले लूंगा एंड अगर इससे मैं कंपेयर करूँ तो हाँ ऑलमोस्ट सेम आ रहा है थिकनेस, इससे भी थिक की जरूरत पड़ेगी मुझे। MTB यूज कर रहे हैं, ड्रिलिंग एक्स्ट्रा कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाइब्रिड यूज कर रहे हैं थोड़ा सा आपके रिस्क रहता है, लेकिन अगर आप रोड बाइक यूज कर रहे हैं एंड उसमें आप क्रेस्टर शेडर कर रहे हैं तो दैट वुड बी अ मिस्टेक, बिकॉज से क्या होता है आपके जो रिम होते हैं उसके फेल करने के चांसेस रह जाते हैं। ये देखिए वाली जो है ना ये इससे ज्यादा थिक है, ये आपको थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। तो इन दोनों के बीच में हमें एक और ड्रिल चाहिए होगी। ये जो ड्रिल है ये ऑलमोस्ट इसके साइज की लग रही है, तो इसका मैं आपको नंबर बता देता हूँ जो कि नहीं लिखा हुआ इसमें, घिस चुका है मेरा। ओ यार ये तो सोचा ही नहीं था कि इतना फेल हो जाएंगे। वर्नियर कैलिपर लेते हैं, इससे वर्नियर कैलिपर के साइड की डाउन बैटरी डाउन है। मतलब जो काम करने जाओ चीजें गड़बड़ होनी होनी है। जैसे क्रॉक्स 9.5 है तो आप 10 mm का ले सकते हैं ड्रिल अपनी। दिस इज क्लोज टू 8 mm ड्रिल, तो अगर आप 8 से लेकर 9 ले लेंगे अपने वॉल्व के हिसाब से तो वो ठीक रहेगा। सो मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया। अच्छा ड्रिल थोड़ी सी आपके लिए ज़्यादा डेंजरस हो सकती है तो उसको ना ही करें तो बेटर है। इवन मैं पैर से इसको होल्ड कर रहा हूँ वो भी ज़्यादा सेफ नहीं होता, वॉइस यूज़ करना चाहिए था मुझे। 3, 2, 1 नहीं नहीं उल्टा छोटा ही है, ये मैंने ड्रिल छोटी ली है। यहाँ पर देखेंगे ना ये डिबरिंग टाइप की होती है, ये अगर आपकी वॉल पे टच हो गई या आपकी साइकिल उसकी ट्यूब पे टच हो गई तब आपका रिस्क रहता है, क्योंकि आपकी पंचर हो सकते हैं। तो आपको ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। सैंड तो करूंगा, लेकिन अब अगर मैं अभी सुनूं ना तो मेरे घूम रही है वॉल्व के अंदर, वो आवाज आ रही है ना, तो ये अंदर घुस गई है थोड़ी सी। ये भी रिस्क रहता है कि वैक्यूम यूज करता तो ना रहती, हिला के थोड़ी सी निकाल देता वरना हाँ पंचर होएगा और क्या होगा। सो इसको यहाँ पर डीबर कर देते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ पर स्मूथ हो गई, इतना इनफ था इसके लिए। आपके लिए हो सकता है ज्यादा जरूरत पड़े ना। इसके ऊपर अगर हम देखेंगे यहाँ पर ज्यादा की जरूरत है। ओए होए देखा क्या हो गया, स्क्रैच लग गई, इतना नहीं करना चाहिए था मेरे को सैंडपेपर से। ये स्क्रैच मैं ही लेता हूँ पंगे ऐसे। अब है ना इसका वॉल घुसा के देख लेते हैं ऊपर से ये घुसता है कि नहीं। देखो घुस तो ये रहा है, बहुत टाइट है, इसका मतलब हमें जो होल होगा वो बड़ा करना पड़ेगा। दैट मीन्स इसमें 9 mm की ड्रिल ही लगी, या 8.5 मान लो, मेरे पास इससे बड़ी है नहीं, इससे बड़ी वाली ड्रिल लगा रहा हूँ मैं। एक चीज नोटिस करी कि एक तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगा। जिस हरकतें कर रहा हूँ ना मैं भी, तभी ये रिस्की है, तभी लोग हर कोई करता नहीं है इसको। कि ऐसे नहीं सिर्फ ट्यूब बदल दो, ये वैक्यूम यूज कर रहा हूँ मैं। जो हमने आज स्क्रैचेस मारे हैं, जो हरकतें करी हैं, इसका जो फ्रंट टायर है ना बार बार ट्यूब की चेंज करने की जरूरत पड़ रही थी, मेरे को लगता है आपको दिख नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पर भी मैंने इसका जो होल है वो वाइड किया था, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइट था और इशूज आ रहे थे मेरे को, फिर पंचर हो जा रहा था। मेरी समझ नहीं आ रहा केंडा इतनी हैवी कैसे है। तो मैक्सिस हो सकता है फ्यूचर में इसको मैं मैक्सिस में कन्वर्ट करूँ, मे बी
वो कितनी इजीली चला गया अबे। लेकिन जो लोग मुझे गालियां देंगे इसके बाद, बहुत देने वाले हैं। टाइम की अब इसकी रिम टेप वापस लगाया जाए। अब इसका टायर डाल देते हैं। पहले आप एक साइड डाल लो, क्योंकि दोनों अगर आपने डाल दी तो ये तो भारी आ रहेगा ऐसे करके। नहीं, पहले टायर डालता है, वन साइड टायर डालेगा फिर ट्यूब डालेगी, वन साइड डालना है। वो मैंने एक बार वीडियो भी बनाई थी, अपनी शॉर्ट्स बनाई थी, आई गेस उसमें रैलसन की ट्यूब इन्फ्लेट करी और ये वाली इन्फ्लेट करी, फर्क देख रहा था मैं कितना जबरदस्त आ रहा था। इसको मैंने वॉल्व को यहाँ पे इंसर्ट कर लिया एंड अपनी ट्यूब डाल देंगे। अभी लास्ट में दिक्कत आएगी ना। अच्छा, वो पहले सील बनी हुई थी ना इसकी। ऐसा है, आप लोगों को मैं ट्यूबलेस में क्यों नहीं कन्वर्ट करूँ, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा होता है, बिना मतलब का इनकन्वीनियंस होता है। मेरे आया दिमाग में आइडिया ट्यूबलेस कन्वर्ट करने का। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 50 रुपए के अंदर मैं ट्यूबलेस कन्वर्ट करके दिखा दूंगा, जिसके आपके 2500 रुपए लगते हैं। मेरे माइंड में आया ये, ठीक है। इसके बाद हम ये ट्राई करने पड़ेगा, होएगा नहीं होएगा दैट इज द सेकंड रीजन कि नहीं हो पाया यार मुझसे, लेकिन हम ट्राई जरूर करेंगे। नाउ लेट्स इन्फ्लेट दिस एंड आपको पता लग जाएगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली अपने उसमें दिखा चुका हूँ वीडियोस में कि मेरे पास इन्फ्लेटर है यहाँ पर, कि मैंने खुद ही फ्रिज के कंप्रेसर से अपना इन्फ्लेटर बनाया हुआ है। पेट्रोल पंप भी रहेगा, बाकी सेटअप तो आपके पास। ये बे यार तू। So let's take this. इसमें कितना पीएस हो गया? यार 30 recommended होता है, बाकी देखना पड़ेगा। तेरी जो फैट बाइक होती है उसमें तेरा 20 के आसपास चलता है। अच्छा, कई बार आप, कई लोग कहते हैं कि ट्यूब में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप डाउनग्रेड करते हैं ट्यूब में तो रोलिंग का भी कई बार फर्क आता है, क्वालिटी वाइज फर्क होता है काफी। फिर बोलोगे भाई तू कर क्यों रहा है, गलती तो नहीं करती मैंने। देख एडवांटेज वही वाली बात है ना कि तुम मर्सिडीज बेच के टोयोटा ले दो, एडवांटेज भी है इसको। तो मैं एक बार अपनी वीडियो बना रहा था फेसबुक के लिए, जो मैं सेकंड यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ, रिव्यूज डालता हूँ साइकिल के। वहाँ मैं वीडियो बना रहा, एक बंदा आया, तो वो बंदा आया, वो साइकिल खरीदने आया। उसको दो ऑप्शन मिले थे, एक मेरे को लगता है पॉलीगन मिला था, एक दूसरा मिला था। एक अच्छी वाली जो साइकिल थी उसमें आपका लगा हुआ था प्रेस्टा वॉल्व, जो मैंने अभी रिमूव करा, एंड जो बेकार वाली साइकिल थी मेरे को लगता है पॉलीगन की थी आई गेस वो, और उसमें आपका लगा हुआ था शेडर वॉल्व। तो बंदे ने स्पेशली वो शेडर वॉल्व खरीदा, क्यों? क्योंकि उसको वॉल्व का फर्क पड़ता है। मेरे सामने की बात है ये, उसको प्रेस्टा आइडिया नहीं था। उसको पता है, उसको दुकानदार ने बोला कि भाई इसके लिए तुम्हें अलग पंप लेना पड़ेगा, हर जगह इन्फ्लेट नहीं होगा। इसकी वजह से उसने चेंज करा, तो इसलिए मैं शायद मैं वीडियो पे बना रहा हूँ ये, कि इसकी वजह से अपनी साइकिल मत चेंज करो, लेने तो अच्छी साइकिल लो। अब हमने वापस इसको फिक्स करना है थ्रू एक्सल का गया भैंस का। अभी फिलहाल तो मैंने सिर्फ देखो फ्रंट का ही करा है, जब बिहाइंड द कैमरा होगा तो फिर मैं बैक का भी कर दूंगा। कैसा ऊंचा ऊंचा सा लग रहा है। एंड थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है उसको लाइक कर सकते हैं। मेरी कन्वर्जन आपको कैसी लगी, कितनी बेकार लगी, कितनी बाहियात लगी, तो वो भी नीचे कमेंट में बता सकते हैं। एंड थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। दिस फैट बिग वेब ऑफ साइनिंग ऑफ।